अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। यह आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट देगा। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। सबसे पहले हम पूरी के लिए आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, आप चाहे तो ऑल पर्पस फ्लार भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से छान लें। इसमें 1/4 कप सूजी डाल दें, यानी बारीक रवा, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंद लें। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर आटे को गूंद लें, ना ये ज़्यादा सॉफ्ट बने और ना ही ज़्यादा टाइट। इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लें। इसे अच्छे से गूंदने के बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इसे अच्छे से लगा लें। इसे ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट करें। यहाँ पर मैंने 1 कप चना लिया है, जिसे मैंने रात भर भिगो के रख दिया था अच्छे से वॉश करके। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। इसमें 4 कप पानी डाल दें, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये गलाने का काम करेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे मीडियम हीट पर 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर कुक करें। 10 मिनट के बाद मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ किया था, इसे मैंने अलग निकाल लिया है। अब हम इसे चेक करेंगे, ये परफेक्टली गल चुका है। इसे बस 10 मिनट के लिए प्रेशर कुक करें। मीडियम हीट पर बर्तन को गर्म करें। इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालते, तेल जैसे ही गर्म हो इसमें 3 इलायची, 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसका फाइन पेस्ट बना ले वो डाल दें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। 2 मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, आप चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और इसे भी 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। ऑयल यहाँ पर सेपरेट हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। 2 मिनट के बाद इसमें 1/2 कप दही डाल दें, फेंट कर डालें, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहें और इसका ऑयल सेपरेट होने तक इसे अच्छे से पका लें। ऑयल यहाँ पर ऊपर आ चुका है, अब हम इसमें बॉईल किए हुए चने डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर 1 कप पानी डाल दें और नमक चेक करें, अगर नमक की ज़रूरत है तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इसे ढककर 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से पक चुका है, अब हम थोड़े से इसमें मसाले और डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 लौंग, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ा सा जायफल लिया है, इसे क्रश कर लें और इसे डाल दें। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए पका लें। 1 मिनट के बाद भटूरे बनकर तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ करें। 1 घंटा हो चुका है आटे को रेस्ट करते हुए। अब हम इसकी पूरी बनाएंगे। छोटी सी लोई बना लें, आप चाहे तो पूरी बड़ी बना सकते हैं या फिर छोटी, यह आपकी मर्ज़ी पर है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी पूरी बना रही हूँ। रोलिंग पैन पर थोड़ा सा आटा डस्ट करें और इसे राउंड शेप में बेल लें। जब तक आप पूरी बेलें, आप गैस पर मीडियम हीट पर कढ़ाई में तेल डालकर उसे गर्म करने के लिए रख दें, ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। तेल को यहाँ पर मैंने मीडियम हाई हीट पर गर्म किया था। जैसे ही तेल गर्म हो चुका है इसमें हम पूरी फ्राई करेंगे। तेल अगर गर्म हो तो पूरी जल्दी ही फ्राई हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसे पलट कर 2 से 3 सेकेंड के लिए फ्राई कर लें और इसे निकाल लें। अब सारी पूरियों को आप इसी तरह से फ्राई कर लें। छोले भटूरे बनकर तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसका टेस्ट आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ही लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगले रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।